कहलगांव अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आनंद मोहन एक बार फिर से बहुत बड़ा गलती कर बैठे। उनके निजी कमरे में ऐसा क्या पाया गया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जरा सोचिए, इतना बड़ा अधिकारी होकर ऐसा कौन सा गलती कर दिए जो मीडिया इनके पीछे पड़ गई? ऐसा कौन सा गलती कर दिए जो मीडिया के साथ हाथापाई कर मोबाइल छीनने को मजबूर हो गए? क्या इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद 24 घंटे आनंद मोहन शराब की नशे में ड्यूटी करते हैं? आखिर इनके निजी कमरे में कौन पहुंचाता होगा शराब? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आनंद मोहन ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत रहते हैं? अगर नहीं तो इनके निजी कमरे में शराब की बोतलें आई कहां से? दरअसल महिला कर्मचारी जब रूम में साफ सफाई कर रही थी तो बेड के नीचे से मिल गया शराब का बोतल। उसी समय कुछ पत्रकार ने बना लिया वीडियो। डॉक्टर आनंद मोहन को पता लगते ही पत्रकारों के साथ किया हाथापाई, फोन को छीनने का प्रयास किया, धक्का मुक्की किया। ऐसा बताया जा रहा है कि आनंद मोहन ने पत्रकार को गाली गलौज किया और जान से मारने का धमकी दे डाला। फिर पत्रकार ने आनंद मोहन के खिलाफ लिखित आवेदन देकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। इससे पहले भी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आनंद मोहन कई घटना में संलिप्त हैं। कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला के साथ जिंदगी और मौत के साथ खेला जाता है। जैसा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज खूब वायरल हुआ था, ANM ने 1500 रुपए का मांग किया था, तभी हम जाकर के ऑपरेशन करेंगे, तभी जाकर के हम सुई लगाएंगे, अन्यथा हाथ हम नहीं लगाएंगे, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा था। पिछले वीडियो में भी साफ साफ देखा और सुना जा सकता था कि ऑक्सीटॉक्सिन नामक खतरनाक सुई का गलत तरीका से इस्तेमाल प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर किया जाता है कहलगांव के अनुमंडल अस्पताल में, वो भी आनंद मोहन के देखरेख में। आखिर ये सब अस्पताल में कब तक चलेगा? कब तक गरीब महिलाओं को लूटा जाएगा? कब तक महिलाओं के जिंदगी के साथ खेला जाएगा? कब तक जन्म लेने वाले बच्चों के साथ खेला जाएगा? आखिर इसका जवाब कौन देगा? अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आनंद मोहन को इन सब चीजों से तो कोई मतलब नहीं है। ये तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं, कहाँ से इनको पता होगा कि सिस्टम कैसे चलाना है, कौन पैसा लेके जा रहा है, कहाँ मरीज को कौन सा सुई लग रहा है, ये कौन ध्यान देगा, इसका जवाब आखिर कौन देगा? अगर आपको कुत्ता काट लेता है फिर आप पहुंच जाते हैं कहलगांव अनुमंडल अस्पताल, फिर तो आपको अपना जेब ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जेब ढीला किए आपका एक नहीं सुना जाएगा, बिना पैसा लिए एक क्रेबिस का सुई तक नहीं लगाया जाता। अगर आप फिर भी पैसा देने से मना करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि जाइए प्राइवेट अस्पताल, वहां तो आपसे 2000 रुपए लिए जाएंगे, हम तो आपसे 2-400 रुपए ही मांग रहे हैं। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि कहलगांव के अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराने के बाद आपके जेब कितने ढीले हुए, आपसे डॉक्टर किस तरीके से बात किए, आपसे कितना पैसा लिया गया, क्या डिलीवरी आपका फ्री में हुआ, क्या आपको कुत्ता काटने के बाद फ्री में रेबीज का सुई लगाया गया, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि महिलाओं के ऊपर ऑक्सीटॉक्सिन नामक सुई को खतरनाक और गलत तरीके से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग आखिर कब करेगा डॉक्टर आनंद मोहन पर कार्रवाई? एक महत्वपूर्ण बात और, बस पार्ट टू का इंतजार कीजिए, क्योंकि आनंद मोहन का वो कारनामा को खोलने वाले हैं जो अब तक आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए ताकि स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच जाए बाकी डॉक्टर आनंद मोहन और कहलगांव अनुमंडल अस्पताल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी पार्ट टू का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आएगा।